पहली सरकार बनी थी तो कुछ नारे जो मुख्यमंत्री जी हर बार दोहराते हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अभी इस बजट को उनकी जगह कहीं भी किसी भी रूप में न दिखे। साथ ही साथ लगभग 70,000 करोड़ रुपया बैंकों की सहायता के रूप में बजट में निर्धारित किए गए। नोटबंदी, जीएसटी को सही तरीके से लागू न करना और अन्य वो तरीके जिससे अर्थव्यवस्था उद्योगपतियों को ऋण दिलवाना और फिर उनका माफ करवाना, ये सारी प्रोसेस पिछली मोदी जी की सरकार का प्रमुख मुद्दा था जो चुनाव में नहीं चला, जिसकी चुनाव में बातें नहीं हुई। हमने खूब कोशिश की विपक्ष के राजनीतिक दल होने के नाते, पर शायद जनता के मनोभाव पर उसकी हम छाप नहीं छोड़ पाए और नतीजा 70,000 करोड़ रुपया बैंकों को लाभ देने, फिर से उनकी सहायता करने के प्रोसेस के पार्ट के इस बजट में निर्धारण हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी को 28 सीटें फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारी बहुमत से मध्य प्रदेश की जनता ने दी। उसका प्रतिसाद ये हुआ कि लगभग 2700 करोड़ रुपया, 26,777 करोड़ रुपया केंद्रीय करों के कटौती के रूप में मध्य प्रदेश को मोदी जी ने सहायता की या सहयोग किया या उस वोट का मूल्य दिया। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को मैं समझता हूँ कि अच्छे से जाने की भी, समझेगी भी और समझती भी। एक नारा था सबका साथ सबका विकास, पहली बार देश में हुआ। कई सालों बाद जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो उसकी प्राइस को लिंक किया गया था इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के भाव से या उसके मूल्य से। पहली बार बजट के दौरान ये मार जनता पे पड़ी। एक तरफ मध्य प्रदेश के खजाने को भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए का घाटा और दूसरी तरफ जनता को भी सीधा लिंक से अलग हटके जनता पे भी बोझ डाला गया जो निंदनीय है। मध्य प्रदेश में 4 दिन में मध्य प्रदेश का बजट आने वाले सत्र में हम जनता के सामने पेश करेंगे, विधानसभा में लाएंगे। बजट का आय व्यय न गड़बड़ाए और बजट का, चूंकि बजट छपने चला जाता है, उसके अनुमानों के अनुसार उसकी जो व्यवस्था बनती है, मैं समझता हूँ कि निर्धारण उसका हो जाता है। सारे इन करों की कटौती के पूर्ति करना, राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपया का घाटा मध्य प्रदेश के अनुमानों में दर्शाना और फिर इसको सही तरीके से, इस बजट को फिर से निरूपित करना एक तरह से चुनौती भी था और हमारे लिए परेशानी भी, मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी भी। पिछले 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। कई बार लंबे लंबे हाथ करके शिवराज सिंह चौहान ने समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना से पूरे प्रदेश को आत्मसात किया। आप देखोगे कि कृषि क्षेत्र में उन्नति को, कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने को और कृषि पर आधारित पूरे प्रदेश को किसानों की आय दोगुनी करने की बात को लेकर
पूरे 15 साल सरकार का बड़ी राशि के रूप में प्रचार प्रसार में पैसा भी लगाया और भाषण भी दिए गए 15 साल की सरकार। अभी पिछले समय 2 दिन पहले वित्त आयोग के AK सिंह साहब यहाँ पे मध्य प्रदेश में आए थे, मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बात की, हम मंत्रियों को भी उनसे मिलवाया और पूरे मध्य प्रदेश के सामने AK सिंह साहब ने बात स्वीकार की कि मध्य प्रदेश की 15 साल की जो पिछली सरकार थी उसने बातें खूब की, भाषण खूब दिए, प्रचार प्रसार खूब किया, कृषि की उन्नति क्या बखान खूब किया, पर गरीबी से उससे उसके कारण गरीबी पे कोई लाभ न मिला और गरीबी न घटी। अपने आप में ये वित्त आयोग की रिपोर्ट एक समझे हम, जो सीधे सीधे निर्देशित किए करके गई कि शिवराज सिंह झूठ बोलते थे, जो हम बोलते थे उस पर उन्होंने मोहर लगाई। जो विपक्ष उस समय कांग्रेस की थी वो बार बार सवाल खड़े करती थी शिवराज सिंह चौहान पे, मैं समझता हूँ कि उसको सही साबित वित्त आयोग के AK सिंह साहब ने स्वीकारी की थी। ये सब बातें हैं, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की आने वाली समृद्धि में मध्य प्रदेश की जनता सहयोग करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का विजन किसानों की कर्ज माफी का, मध्य प्रदेश का सरकार का विजन समृद्ध रोजगार सहित प्रदेश बनाने का, मध्य प्रदेश की सरकार का विजन मध्य प्रदेश के हर नागरिक को समान अवसर मिले अपने आर्थिक उन्नति का, सामाजिक सरोकार का, ये व्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सरकार ने भी वित्त के हमारे जितने अधिकारी हैं उनके चूंकि आने वाले बजट की व्यवस्था को देखते हुए पेट्रोल डीजल पर हमें भी भार भटकना पड़ा। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी इसका दुख भी है और सरकार भी बड़े भारी मन से ये हमने काम किया। धन्यवाद।